तो साइंस का आज टॉपिक है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और तकनीकी ने किस तरीके से विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन ला दिया है और हमारे जीवन स्तर को सुधार दिया है। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज टेक्नोलॉजी मीन? तकनीकी का क्या अर्थ है या तकनीकी क्या है? तो इसका आंसर है, टेक्नोलॉजी इज टू क्रिएट रिसोर्सेस फॉर मैनकाइंड बाय अप्लाइंग रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ साइंस। मतलब यह है कि विज्ञान के नियम और सिद्धांतों का उपयोग करके मानव की भलाई के लिए जो भी संसाधन बनाए जाते हैं वही तकनीकी है। तो विज्ञान के नियम और सिद्धांतों का उपयोग करके मानव की भलाई, मैनकाइंड मतलब मानव की भलाई के लिए संसाधन बनाना, रिसोर्सेस का निर्माण करना ही क्या है? टेक्नोलॉजी है। दूसरे नंबर पर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी? विज्ञान और तकनीकी में क्या संबंध है? पहले क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा है, देखो कि तकनीकी किस पर डिपेंड करती है? विज्ञान के नियम और सिद्धांतों पर। इसका मतलब यह हो गया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। मतलब विज्ञान और तकनीकी जो है वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। बिना विज्ञान के तकनीकी नहीं हो सकती, और अगर सिर्फ तकनीकी है विज्ञान नहीं है तो वो तकनीकी भी संभव नहीं है। तीसरा है, व्हाट इज ग्रीन रिवोल्यूशन? हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति का आप कलर से ही देख लो, हरे रंग की हमारी फसल होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। तो रिवोल्यूशन का मतलब हो गया क्रांति, मतलब उम्मीद से ज्यादा उसमें परिवर्तन आ जाए। तो द अनप्रेसिडेंटेड मतलब आशातीत, मतलब जिसकी उम्मीद ना हो उससे भी ज्यादा हो जाए। तो द अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इज कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन। कृषि के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में आशातीत जैसी उम्मीद की गई हो उतनी वृद्धि अगर होने लगे तो उसे कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति। अब यहां पर आ जाते हैं, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी? नेशनल मतलब राष्ट्रीय, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा। तो राष्ट्र की सुरक्षा के क्षेत्र में तकनीकी का क्या योगदान है? तो इसमें है, इन द फील्ड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी राष्ट्र की सुरक्षा में अवर कंट्री प्रोग्रेस्ड वेरी फास्ट। हमारे देश ने राष्ट्र की सुरक्षा में बहुत तीव्र वृद्धि की है, उन्नति की है। क्या क्या उन्नति की है? मिसाइल्स, बहुत सारी मिसाइलें बनी, लाइक जैसे पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, निर्भय और ब्रह्मोस, ये मिसाइलें बनी हमारे देश में। दे प्रोटेक्ट, वे सुरक्षा करते हैं किसकी? अवर कंट्री, वो हमारे देश की सुरक्षा करते हैं इफेक्टिवली, बड़े प्रभावी रूप से, बाई यूजिंग टेक्नोलॉजी। और किसका उपयोग करके? तकनीकी का उपयोग करके बड़े ही प्रभावी ढंग से हमारे राष्ट्र की सुरक्षा करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट क्या है? सभी लोग इंटरनेट यूज करते हैं ना, तो आप जानते हैं इंटरनेट क्या है? द लेटेस्ट सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क का जो लेटेस्ट सिस्टम, नवीनतम जो इसका तंत्र है, वो कनेक्टेड थ्रू टेलीफोन लाइन आर कॉल्ड इंटरनेट। जो टेलीफोन लाइन से जुड़ा हुआ, कौन सी लाइन से? टेलीफोन लाइन से जुड़ा हुआ नेटवर्क या फिर एक जाल, टेलीफोन लाइन से जुड़ा हुआ नेटवर्क जो कि नवीनतम है, एकदम जो नया से नया है अभी, उसी को कहते हैं इंटरनेट। मतलब
टेलीफोन लाइन से जुड़ा हुआ, किस लाइन से? टेलीफोन लाइन से जुड़ा हुआ कंप्यूटर नेटवर्क, टेलीफोन लाइन से जुड़ा हुआ कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। टेलीफोन लाइन से जुड़ा हुआ कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है और ये लेटेस्ट सिस्टम है, नवीनतम सिस्टम है। बात समझ गए? तो ये थे आज के क्वेश्चन आंसर।